हेलो फ्रेंड्स, शाम के 3 बज रहे हैं और इस टाइम से मेरा काम अब शुरू हो जाता है। बाबू सो गया है तो फटाफट से मैं अब काम करने जा रही हूँ। तो 4 बजे से सभी लोग गांव में दूध लेने आ जाते हैं, तो 3 बजे या 2 बजे से ही मैं अपने काम में लग जाती हूँ। बाबू को सुलाने के बाद अगर वो नहीं सोया तो फिर साथ साथ ही रहता है। सुबह में बाबू का स्कूल खुल गया था तो वो उसे मुझे स्कूल से लाना भी था। पहुंचाते मेरे हस्बैंड है और लाती मैं हूँ, तो इस वजह से सुबह में मैं चूल्हे की निपाई नहीं की थी, निपाई पुताई। और कल बृहस्पतिवार हो जाएगा तो मैं बृहस्पतिवार को चूल्हे की निपाई पुताई नहीं करूँगी। तो जल्दी से मैं अभी चूल्हे की निपाई पुताई कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं गाय को खाना दूँगी, मिल्किंग करूँगी। ये सब सारे काम हैं अब से मेरे शुरू हो जाएंगे। इस टाइम से काफ़ी मैं बिजी रहती हूँ क्योंकि गाय को खिलाना भी होता है, उसके मिल्किंग भी करना होता है, दूध भी बेचना होता है और फिर शाम को हस्बैंड जब आएंगे तो उन्हें खाना वगैरह भी निकाल कर देना होता है। फिर उस टाइम से चाय पानी, बाबू भी उठ जाएगा फिर उसके लिए खाना, तो एकदम टाइम नहीं मिलता। और सबसे पहली बात तो मैं ये करना भूल ही गई कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है तो मैं उसके लिए फिर से दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। काफ़ी खुशी होती है, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोग को तो मैं धन्यवाद भी बोलूँ तो कम है क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरा वीडियो देखा है, तो उसके लिए तो धन्यवाद तो बनता है। और पीछे जो उपले रखे हुए हैं तो वो मैंने अभी बोरा में नहीं रखा हुआ है क्योंकि ये बारिश का समय है और सारे उपले को अंदर कर दिया गया है ताकि भींगे ना बरसात में। और बारिश अभी कभी भी हो जाता है तो पता नहीं चलता, तो उस टाइम आदमी वहाँ रहे या ना रहे तो भींग जाएगा, इसी वजह से सारे उपले सूखे हुए थे तो यहाँ पर रख दिए गए हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसे फिर से ठीक से रख दूँगी, बोरा वगैरह में रख कर साइड में रख दूँगी क्योंकि इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि सुबह से बच्चों को स्कूल पहुँचाना होता है, उनके नाश्ता बनाने पड़ते हैं, फिर हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बनाने पड़ते हैं, तो सुबह में टाइम नहीं मिल पाता। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ये सब सारे काम कर दूँगी। और चूल्हे को काला इसलिए नहीं रखा जाता, जैसे कि मैं इसे निपाई पुताई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो वास्तु दोष होता है। कभी भी गांव में लोग, कोई भी महिलाएं चूल्हे को काला नहीं रखती, खाना बनाती हैं उसके बाद वो जल्दी से निपाई पुताई कर देती हैं क्योंकि इससे वास्तु दोष होता है, अच्छा नहीं माना जाता। गाँव के लोगों से आप पूछिएगा कि कोई भी चूल्हा काला नहीं रखती है। और चूल्हे की निपाई पुताई हो गई है और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ दूध का बाल्टी धोने, क्योंकि सुबह में जो दूध मिल्किंग हुआ था उसे मैं धोई भी नहीं थी क्योंकि सारे काम घर में, बहुत सारे काम हो जाते हैं तो कभी कभी कोई काम रुक जाता है। और बच्चों का खासकर स्कूल खुल जाने से और भी ज़्यादा काम बढ़ गए हैं, घर की सफाई के साथ साथ मुझे इधर भी करनी पड़ती है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है सारे काम मैं आराम से कर लेती हूँ। तो धूप चली गई है और जब छांव हो जाता है तो मैं गाय को बाहर ले आती हूँ और बाहर ही मैं कभी कभी मिल्किंग कर लेती हूँ। और एक जो गाय है अंदर ही है क्योंकि उसे बाहर मिल्किंग करवाना अच्छा नहीं लगता, मतलब मक्खी वगैरह काटने लगती है तो पैर चलाने लगती है, दूध भी गिर जाता है, इसी वजह से उसका मिल्किंग अंदर ही किया जाता है। तो बस अब मैं उस गाय को पानी पिला दी हूँ दोनों को, और अब मैं इन लोगों को खाना भी दे दूँगी। खाना पहले इसलिए दे देती हूँ कि मतलब जब मिल्किंग करूँ ना तो थोड़ा भी ये लोग बदमाशी ना करें। और देखिए ये कौवा भी आ गया है, शामिल हो गया है इसी में। उसे जब प्यास लगती है तो मैं बाल्टी में पानी भर कर रख देती हूँ दोपहर में, वो भी आके पी लेते हैं। सब जानते हैं कि यहाँ पे पानी रखा हुआ होता है। और जो मतलब गेहूँ के कट्टू होते हैं बिचाली, वो मैं गाय को दे दी हूँ। और ये खल्ली है, खल्ली भी गाय को दी जाती है क्योंकि इससे दूध ज़्यादा करती है। और दाने भी दिए जाते हैं तो इन लोग का पेट इतना से भर जाता है। सबको हम लोग बराबर बराबर देते हैं।
देखिए कैसे इंतज़ार कर रही है इसे खाने के लिए। इन लोगों को भी इंतज़ार रहता है कि मुझे सब कुछ दे दे एक ही बार में, मैं एक ही बार में अच्छे से खा लूँ। और ये नंदनी है ना, ये नंदनी मतलब जहाँ पे ये थी उसे उतना अच्छा वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा था, और यहाँ का खाना इसे बहुत ही अच्छा लगता है, तो बहुत ही प्यार से खाती है और अच्छे से सारे खाना खा जाती है। तो हम लोग को खिलाने में भी अच्छा लगता है कि ये खाना नहीं छोड़ती, तो अच्छा लगता है। तो बस ये अच्छी गाय है, और सारे गाय को मैं खाना दे दी हूँ, और जो अंदर है उसके भी नाद में मैं खाना दे दी हूँ, क्योंकि वो जब उसका मिल्किंग हो जाएगा तो बस लाकर उसे बांध देना होता है, वो जल्दी से खा लेती है। और शाम में ये लोग को सबसे पहले मैं पानी इसलिए देती हूँ क्योंकि दिन भर की ये लोग प्यासी रहती है, और मौसम भी आज कुछ ख़राब चल रहा है, बाद में शाम होते होते बारिश आ गई थी तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, कुछ ही वीडियो शूट कर पाई। मैं बारिश का भी वीडियो दिखा दूँगी, काफ़ी बारिश हो गई थी और इन लोग के लिए काफ़ी अच्छा हो गया था, क्योंकि गर्मी इन लोग को बहुत ज़्यादा लगती है, कितना भी नहा दीजिए गर्मी ज़्यादा लगती है। तो इन लोग के लिए काफ़ी राहत थी, बाहर में इन लोगों ने खूब नहाया, इन लोग को अच्छा लगा। बारिश होने में सबसे ज़्यादा खुश यही लोग होती हैं। मुझे इन लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, और ऐसे भी गाय की सेवा करना हमारे हिंदू समाज में अच्छा माना गया है। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मैं अभी एक बच्चे को लेकर, जब मेरा बाबू छोटा था तभी से मैं गाय का सेवा करती हूँ, और भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, गाय का सेवा करना अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे गाय की मिल्किंग हो रही है, और धीरे धीरे मैं तीनों की मिल्किंग कर लूँगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और डेली देखते हैं तो लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और आपके लाइक का इंतज़ार रहता है। तो मेरी मिल्किंग हो गई है गाय की, और मैं फटाफट से और दूसरी गाय का भी मिल्किंग कर लूँगी, क्योंकि और सारे लोग भी दूध लेने आ ही रहे होंगे, तो फटाफट से मैं मिल्किंग कर लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है, और गाय लोग बहुत अच्छे से नहा रही है, इन लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रही है। बारिश का मौसम हो और हम लोग चाय ना पिए, ये कभी हो ही नहीं सकता। और वैसे भी शाम का टाइम हो रहा है, चाय पीने का टाइम हो गया है, और लाइट भी कटी हुई है, ये तो जो चार्जेबल बॉल होता है वो जल रहा है, तो आगे वीडियो नहीं बना पाई हूँ, और बहुत सारे काम है। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।